कैसे आप सब, आई होप ठीक हो यार। आपको क्या होता फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ स्टेप की आज वेक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सी लग रही है फ्रेंड्स, और काफ़ी ज़्यादा इजी टिप्स बताने की कोशिश किया हूँ फ्रेंड्स। ज़्यादातर बंदे इजी से इजी टिप्स नहीं बताते फ्रेंड्स, फास्ट कर देते वीडियो को और कुछ भी करते रहते फ्रेंड्स, वीडियो को काट काट के बनाते। मैं वैसा नहीं किया फ्रेंड्स, पूरी एक 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 टिप्स बताया फ्रेंड्स, जो जो किया सारी टिप्स बताया हूँ, कौन से ब्रश का यूज़ किया ये सब बताया फ्रेंड्स, और ब्रश की सेटिंग सब चीज़ बता दिया फ्रेंड्स। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आप अभी चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना यार। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, वेक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग करने में, जो आपके लिए मैंने इजी टिप्स लाया हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपने इस वाले ऐप के ऊपर ले चलते हैं। इस ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ऐप ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो ले लेना है, ट्रूट पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उसके बाद वीडियो अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर लेना है, जिस तरह से मैं क्रॉप कर रहा हूँ। देखिए फिर इस टाइप से क्रॉप कर लेना है और लेयर ले अपनी ऑपेसिटी को बढ़ा लेना है, जितनी ज़्यादा लेयर ले सकते हैं उतनी ज़्यादा लेयर ले लेना है, और लेजी टूल को ले लेना है फ्रेंड्स, और ब्रश लेना है लासो फ्रेंड्स, और साइज को रखना है 1 फ्रेंड्स, साइज को 1 रख लेना है, और जैसे मैं चला रहा हूँ वैसे ही चला रहा हूँ फ्रेंड्स। काफ़ी ज़्यादा आराम से करना फ्रेंड्स, ज़्यादा फास्ट नहीं है। बाकी ज़्यादा यूट्यूबर तो इससे भी ज़्यादा फास्ट रखते हैं फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ वो। अगर आप जो नॉर्मल है उसके ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी स्पीड नॉर्मल आ जाएगी फ्रेंड्स, ज़्यादा स्पीड को नहीं बढ़ाएं फ्रेंड्स। अगर आप कोई पूरी नॉर्मल स्पीड रखता है तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है और आपको भी किस तरीके से समझ में नहीं आती, इसलिए फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स जिस टाइप से मैं ब्रश चला रहा हूँ आप भी उसी टाइप से ब्रश चला लेना। काफ़ी ज़्यादा इजी टिप्स बताया फ्रेंड्स, और लास्ट तक वीडियो को देखना फ्रेंड्स। अगर जो बंदा सीखना चाहता है वेक्टर आर्ट हो तो देखेगा ही फ्रेंड्स, अगर आपको भी देखना चाहते हैं यार, सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ यार देख लेना, आप भी सीख जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप से चला रहा हूँ, इसका कुछ इस टाइप से ही चलाना है आपको। वेक्टर आर्ट में ओनली अंडरलाइन पे ध्यान देना है फ्रेंड्स, जो आपकी आसपास की अंडरलाइन रहती है उस पर ज़्यादातर ध्यान देते रहना। देखिए फ्रेंड्स किस टाइप से मैं अंडरलाइन पे और ब्रश कितनी ज़्यादा स्मूथली चला रहा हूँ फ्रेंड्स। आप अगर पहली बार कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत जाएगी फ्रेंड्स, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत जाती रहेगी पर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं जो भी दिक्कत जाती थी मैं भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हूँ फ्रेंड्स, तभी आपको सीख पाया, और पूरी तरीके से कोई वेक्टर आर्ट एडिटर नहीं सीख पाता फ्रेंड्स, सबको थोड़ी ना थोड़ी बहुत गलती होती है। देखिए फ्रेंड्स किस टाइप से मैं नोक निकाल रहा हूँ बालों की, जिस टाइप से है। देखिए फ्रेंड्स मुझसे भी गलती होती है, देखिए फ्रेंड्स मुझे भी सीखने में टाइम लगा है फ्रेंड्स, आप भी सीख जाएंगे आराम से, बस वीडियो को ध्यान से देखना बिना स्किप करे फ्रेंड्स। वीडियो के किसी भी टॉपिक पे मैं कुछ भी बता सकता हूँ फ्रेंड्स, इसलिए बिना भी स्किप मत करे, वरना थोड़ा सा भी स्किप मत करना। देखिए फ्रेंड्स किस टाइप से नोक निकालना फ्रेंड्स, आराम से करना है, और ब्रश लासो ही लेना है फ्रेंड्स, ज़्यादा मैं आपको बताऊँगा नहीं फ्रेंड्स। लासो ब्रश के बारे में ये आपको बताऊंगा, ज़्यादातर यूज वेक्टर आर्ट पे लासो ही होता है, और ज़्यादातर वेक्टर आर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है फ्रेंड्स, अगर आप सीख जाते हैं तो वेक्टर आर्ट करना सीख जाना चाहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फोटो होती है फ्रेंड्स, इसीलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको वीडियो को सिर्फ ध्यान से देखना है, बस ज़्यादा कोई चीज़ करने की नहीं है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स किस टाइप से फिलअप करना है, बस अंडरलाइन पे ध्यान देना है, बाकी अंदर को फिलअप करना है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स किस टाइप से लग रहा है कि भाई बंदे की बाल है, अगर आप जैसी बाल है वैसी करना है, अगर आप अलग तरीके से करेंगे तो आपकी बाल किस तरीके से नहीं होगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स थ्रेड में कुछ इसी टाइप से करना जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा स्मूथली कर रहा हूँ, कुछ इसी टाइप से कर लेना फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हो गया हमारी थ्रेड का काम। देखिए फ्रेंड्स आप बालों पर आप कलर करने वाले हैं, पहले फ्रेड अपनी आईज को बना लेते हैं फ्रेंड्स, आईज के ऊपर जो काली वाली लाइन रहती है उस पर चला लेना है, और उसके बाद आईज के ऊपर वाली पे चलाना है। देखिए फ्रेंड्स मैं जिस तरीके से चला रहा हूँ, जिस तरीके से आईज है उसी टाइप से चलाना फ्रेंड्स, वरना बंदा नहीं लगेगा, कोई दूसरा ही बंदा लगेगा, जिसकी भी बना रहे हैं आप या खुद की भी बना रहे हैं तो आप नहीं लगोगे, कोई दूसरा ही लगेगा फ्रेंड्स, इसलिए अंडरलाइन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स। और वीडियो को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं वीडियो के लास्ट में कुछ भी बता दूंगा फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो के बीच में भी बता दिया तो आप उस चीज़ को मिस कर देंगे और आप उस टाइप की फोटो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स किस टाइप से कर रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स आप कान की अंडरलाइन करेंगे, आपको वेक्टर आर्ट पे ओनली अंडरलाइन पे ध्यान देना है फ्रेंड्स, तभी आपकी फ़ोटो एडिट हो पाएगी। वेक्टर आर्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलती है फ्रेंड्स, वेक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग, इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है, और
विक्टर आर्ट को पूरी होने के बाद ही जज करना फ्रेंड्स। पहले के पहले अगर आप जज कर रहे हैं कि भाई मेरा अच्छा नहीं बन रहा है, अच्छा हो यार, वैसा नहीं होता फ्रेंड्स, पूरा बनाना उसी के बाद देखे फ्रेंड्स। अब हम इस वाली लेयर को ले लेंगे ताकि बालू पे कलर कर पाए। मैं इसके प्लेट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो कुछ इस तरह से छोटा कर लेना है और कलर को इस वाले कलर को ले लेना है जिस वाले कलर को मैंने लिया हूँ, और ब्रश लासो के नीचे वाले ब्रश को ले लेना है फ्रेंड्स, और साइज को बढ़ा लेना है आपको जितना साइज रखना है, कुछ इस तरह से चलाना है जिस तरह से मैं चला रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली फोटो एडिटिंग, जिस टाइप से थंबनेल में फोटो थी उसी टाइप से फोटो एडिटिंग होगी फ्रेंड्स, क्योंकि जो थंबनेल में फोटो है वही फोटो लगाए हैं फ्रेंड्स जो इसमें एडिट हुई है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा अमेजिंग लगने वाली है, बस आपको बिना स्किप करे देखना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक बनता है यार, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही देना यार। देखिए फ्रेंड्स कुछ जैसे चला लेना है जैसे मैं चला रहा हूँ, इस टाइप से चला लेना है और कलर को थोड़ा नीचे करके ले लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स कलर को अगर नीचे लेंगे तो उसकी ऑपेसिटी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, जिस टाइप से मैंने लिया हूँ। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही तो थोड़ी सी स्लो कर लेना फ्रेंड्स, उसमें कोई बात नहीं है, यूट्यूब में ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स स्लो फास्ट का। अगर आपको बढ़ा के देखना है तो फास्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर आप स्लो ही करेंगे मुझे मालूम है फ्रेंड्स। तो कुछ इस टाइप से चला लेना है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली फोटो एडिटिंग, इसमें कोई शक की बात नहीं है, विक्टर आर्ट हमेशा अमेजिंग ही होती है फ्रेंड्स। आपके लिए मैं ऐसे ही विक्टर आर्ट और भी फोटो एडिटिंग लाता रहता हूँ, जैसे एल आर हो गया, पिक्सार्ट बहुत सारे ऐप के बारे में बताते रहता हूँ और एडिटिंग सिखाता हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको एडिटिंग सीखना है। और कुछ समय बाद मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप विक्टर आर्ट बना के आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, कि अगर आप सीखना चाहते हैं विक्टर आर्ट तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कभी भी वीडियो आ सकती है। तो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से कलर को थोड़ा बढ़ाकर इस टाइप से चला लेना है। देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगी फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स चला लेना ऐसा जिस तरीके से मैं चला रहा हूँ। और देखिए फ्रेंड्स नीचे में भी चलाना फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स रेड कलर को लेना है, और देखिए फ्रेंड्स इस वाले ब्रश को लेने के बाद लासो के नीचे वाले ब्रश को देखिए फ्रेंड्स, ये जो साइड में बाल निकली हुई हेयर, जो कटिंग वाली हेयर है निकली वाली, उसमें चला लेना फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगेगी आपकी हेयर। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप से चला लेना आपकी निकली वाली जो हेयर रहेगी उसमें, जैसे मैं चला रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से चलाना। अगर आपको वेक्टर आर्ट के और लिप्स आई सारे पार्ट मैं इस चैनल पे डालूंगा फ्रेंड्स, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है फ्रेंड्स इस वाली वीडियो को बनाने में, काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया था फ्रेंड्स मैंने भी वेक्टर आर्ट में, मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी फ्रेंड्स, इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स वेक्टर आर्ट वीडियो अगर आप किसी भी चैनल की देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो बिना स्किप करे देखना फ्रेंड्स, तभी आप वेक्टर आर्ट फोटो एडिटिंग सीख पाएंगे, वरना नहीं सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से चला लेना जैसे मैं चला रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स कलर को बदल के इस टाइप से ले लेना है, और देखिए फ्रेंड्स किस टाइप से मैं चला रहा हूँ इसी टाइप से चला लेना है। देखिए फ्रेंड्स इस टाइप से चला लेना है जैसे मैं चला रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स जो नीचे में बाल आई है उसमें भी चला लेना है, और ताकि लगे भाई बंदे के नीचे भी बाल है, अन्ना नीचे में कलर नहीं किया ऊपर कलर लिया ऐसा लगे। तो देखिए आपके ऊपर जो हेयर आई है उस पर भी चला लेना है ताकि लगे फ्रेंड्स वो अमेजिंग सी फोटो एडिटिंग लगेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो फ्रेंड्स मैं अभी ओनली हेयर के बारे में बता रहा हूँ, और पार्ट टू में आपको फेस सेटिंग के बारे में बताऊँगा फ्रेंड्स, और पार्ट थ्री में आपको जो क्लॉथ्स के बारे में बताऊंगा, क्लॉथ सेटिंग जो क्लॉथ में कलर करते हैं उसके बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। इसलिए अगर आप विक्टर आर्ट फेस सेटिंग सीखना चाहते हैं, शायद फेस सेटिंग जिस बार करूं उसी बार में मैं आपको क्लॉथ देखना, और फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में कि अगली
अगली वीडियो की इस टॉपिक में डालूँ, और इसके बाद पार्ट टू में फेस सेटिंग आने वाली, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। पार्ट टू में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फेस सेटिंग की इजी से इजी टिप्स बताने वाला हूँ, और एक इजी टिप्स बताने वाला हूँ, दो तीन टिप्स ऐसी बताने वाला हूँ जिससे आपकी फेस सेटिंग आसान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। ओके बाय फ्रेंड्स, पार्ट टू में मिलते हैं।